वेलकम बैक। जो युवा पुरुष है वो अपनी बॉडीज को इनसे सजाते हैं और इसके लिए वो कई घंटे या दिनों भी इसमें लग जाते हैं। ये साथ में अपनी हेयर स्टाइल के ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं और परंपरा के दृष्टि से ये अपने सिर को शेव करते हैं जब ये नेक्स्ट एज में या नए जो उम्र है उसके पड़ाव पर वो पहुँचते हैं। ऑक्यूपेशन जो इनका मेन है, हमने पहले ही बताया है, ये पेस्टोरलिस्ट हैं, ये कैटल रेयरिंग पशुपालक है। वुमेन जो महिलाएं हैं मसाई समूह की, वो बच्चों को पालती हैं, उनको सार संभाल करती हैं, घर पे रहती हैं, साथ में खाना बनाती हैं और मिल्क जो है जो पशुओं का दूध होता है उसको निकालती हैं। अ बॉय बिगिंस अर्निंग एट द एज ऑफ 4 बाय लुकिंग आफ्टर लैम्स एंड यंग काव्स। जो बच्चा है, जो लड़का है, वो 4 साल की उम्र में काम करना शुरू करता है और वो किसका ध्यान रखता है? भेड़ और उनके बच्चों का, जो गाय के बच्चे होते हैं। द मसाई पीपल आर बेसिकली नोमैडिक हर्डर्स एंड लाइफ स्टॉक। द लाइफ स्टॉक कंसिस्ट ऑफ शीप, गोट्स, डंकीज एंड स्पेशली कैटल। मीन्स गाय होती है, बकरी होती है, गधे होते हैं और भेड़ होती है। द मसाई आर स्पेशली नोन टू बी वॉरियर्स। व्हेन द ब्रिटिश ट्राइड टू ओवरटेक एंड कॉलोनाइज अफ्रीका, द मसाई फॉट बैक। बेसिकली ये वॉरियर्स हैं, ये लड़ाकू हैं, ये लड़ाई क्षत्रिय हैं, लड़ाई इन्होंने की हुई है। व्हेन जो ब्रिटिश ने उनको उनकी कॉलोनी अफ्रीका में बनानी चाहिए थी और इनके ऊपर अपना शासन करना चाहा था, तो उन्होंने उनसे युद्ध किया था। अमंग द ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका नो ट्राइब वॉज कंसिडर्ड टू हैव वॉरियर्स मोर फियरसम और इंटेलिजेंट देन द माइटी मसाई। मीन्स उन्हें हम बहुत ही कहते हैं कुशल प्लस शक्तिशाली जनजाति हैं, जो इनके जैसा अफ्रीका में और कोई जनजाति नहीं पाई जाती। द मसाई पीपल आर हर्डर्स, दे मेनली हर्ड काउस एंड गोट्स, दे डिपेंड ऑन द काउस फॉर मैनी थिंग्स। काउ इनके लिए बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। दे ड्रिंक वन काउज मिल्क एंड ब्लड एज अ सीक्रेट ड्रिंक। इनके लिए ये बहुत ही पवित्र पेय है, काउ का दूध मतलब गाय का दूध और उसका खून। They use the cows during dung to cover and seal their homes. Basically, जो गाय का गोबर होता है dung, उसे ये use करते हैं अपने घर को लेपने में और उससे उसको cover करने में। They don't slaughter their cattle for food, but if a cow is killed, then the horns are used for containers, the hides are used to make shoes, clothing, ropes and bed coverings, and the hooves and bones are made into ornaments. Now, आप ये देखिए कि एक कैटल हर्डर्स हैं, इसलिए ये कभी भी अपने गाय जो है संसाधन है उसको कभी भी मारते नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर वो मर जाती हैं तो उसके हॉर्न्स को यूज़ करते हैं एज अ कंटेनर्स, पात्र के रूप में, जो उनकी स्किन है उसको यूज़ करते हैं अपने जूते में बनाने के लिए और साथ में अपने वस्त्रों के रूप में उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। एंड बेड कवरिंग्स एंड द हूव्स एंड बोन्स आर मेड इनटू ऑर्नामेंट्स। द मोर काउज अ मैन ओन्स द रिचर ही इज थॉट टू बी। जिस मसाई परिवार के पास जितनी गाय होती हैं उतनी समृद्धिशीलता या वो उतना ही समाज में उनके रिच व्यक्ति माना जाता है। ही यूजेज द काउज टू बाय वाइव्स। अ मसाई मैन कैन हैव मोर देन वन वाइफ। बेसिकली ये जो गाय है, गायें इनकी जो प्रॉपर्टी है या धन है उसका ये प्रयोग या उपयोग करते हैं अपनी पत्नियों की खरीद में। एक मसाई पुरुष के पास बहुत सारी वाइफ हो सकती हैं। इट मीन्स दे प्रैक्टिस पॉलीगैमी। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कैटल आर सेंट्रल टू मसाई इकॉनमी। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जो पशु संपदा है उसमें गाय इनकी बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है अर्थव्यवस्था में। दे आर रेयरली किल्ड बट इंस्टेड आर एक्यूमुलेटेड एज अ साइन ऑफ वेल्थ एंड ट्रेडेड और सोल्ड टू सेटल डेट्स। बेसिकली इनको आदान प्रदान किया जाता है अपने जो ऋण लिए जाते हैं उसको सेटल करने में। दे ट्रेडिशनल ग्रेजिंग लैंड स्पैन फ्रॉम सेंट्रल केनिया इनटू सेंट्रल तंजानिया। इनका जो चारागाह है वो सेंट्रल केनिया से लेकर सेंट्रल तंजानिया तक विस्तृत रूप से पाया जाता है। यंग मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंडिंग टू द हर्ड्स एंड ऑफन लिव इन स्मॉल कैंप्स, मूविंग फ्रिक्वेंटली इन द कॉन्स्टेंट सर्च फॉर वाटर एंड गुड ग्रेजिंग लैंड्स। मसाई आर रूथलेस कैपिटलिस्ट एंड ड्यू टू पास्ट बिहेवियर हैव बिकम नोटोरियस एज कैटल रसलर्स। ये इनको, ये अपने लिए बहुत कुख्यात भी हैं, इनके बिहेवियर जो है ये पूंजीवादी भी हैं और इनका जो पास बिहेवियर रहा है उसकी वजह से हम इन्हें कुख्यात या नोटोरियस कह रहे हैं। ये है जो युवा पुरुष है इनके समूह में, ये कैटल हर्ड्स को, जो हर्ड्स हैं उनको मेंटेन करते हैं और अपने स्मॉल स्मॉल जो छोटे छोटे कैंप होते हैं उनमें ये रहते हैं। क्लोथिंग की हम बात करें तो रेड इज़ अ फेवर्ड कलर। मसाई समूह में लाल रंग का बहुत प्रमुख रूप से उसको उपयोग में लाया जाता है। ब्लू, ब्लैक स्ट्रिप्ड एंड चेक क्लॉथ आर आल्सो वोन एज अ मल्टी कलर्ड अफ्रीकन डिज़ाइन।
द पसाई बिगैन टू रिप्लेस एनिमल स्किन कार फाइट्स एंड शेप स्किन विद कमर्शियल कॉटन क्लॉथ इन 1960 के बाद कॉटन क्लॉथ जब व्यावसायिक दृष्टि से आया तब इनका जो रिप्लेसमेंट था एनिमल स्किन का और कार फाइट्स का वो रिप्लेस हो गया. शुका इज़ द मा वर्ड फॉर शीट्स ट्रेडिशनली वोन ग्राफ्ट अराउंड द बॉडी. शुका हम कहते हैं इनकी जो लैंग्वेज है माँ, उसमें मतलब होता है आवरण, और ये परंपरा दृष्टि से ये अपने शरीर के चारों ओर लपेटा जाता है. They wear bright clothes. They wear favorite color is red. They wear lots of tartan too. What do you think the color red means right to them? The wear bright clothes. The bright clothes इसलिए पहनते हैं क्योंकि that gives that energy. The more the bright color is, the more we feel energetic. इसलिए इनका जो favorite color है वो red है. Clothing in the tribe में men wear brightly colored sheets. These can also be called blankets. The women wear long patterned cloth. They shave their heads. It is a tribe tradition, but this is to be done. They also wear colorful beads around their necks, wrists and ankles, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इस चित्र में आप देख भी पा रहे हैं. अदर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मसाई, अगर मसाई समूह की हम बात करते हैं तो प्रमुख जो मतलब बहुत जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि टीथ आर क्लीन विद स्टिक्स, ये अपने दांतों की सफाई स्टिक से करते हैं. मैन ऑल्सो यूज स्टिक्स टू कॉम देयर हेयर, जो लकड़ी होती है स्टिक्स छोटी छोटी उनका उपयोग ये बालों को बनाने में भी किया करते हैं. दे यूज़ एनिमल एंड वेजिटेबल फैट टू बेथ व्हेन वाटर इज स्केयर, जब पानी नहीं होता तो जो फैचर भी होती है एनिमल्स की और उस वेजिटेबल की, तो ये उसको यूज़ करते हैं नहाने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए. फॉर परफ्यूम दे यूज़ स्वीट स्मेलिंग ग्रासेस, गंध के लिए ये जो जिन घासों में खुशबू होती है उसका प्रयोग करते हैं. द मसाई पीपल